हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाक एकेडमी योर चैनल। और आई एम अंकिता योर फ्रेंड। और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट, मतलब ही आपका लास्ट वाला पार्ट। यस गाइस, फाइनली वी केम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। सो टुडे विल बी द लास्ट क्लास ऑफ योर चैप्टर जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो कितनी अच्छी बात है, केमिकल काइनेटिक्स जो है ये चैप्टर नंबर 6 है, लास्ट चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का, और ये वाला भी है आपका लास्ट वाला क्लास फिजिकल केमिस्ट्री का जो कि है चैप्टर नंबर 6 का, जो कि है केमिकल काइनेटिक्स। तो प्रीवियस वाले क्लासेस में केमिकल काइनेटिक्स में हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की थी, साथ ही साथ हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में अरेनियस इक्वेशन भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अरेनियस इक्वेशन के साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि अरेनियस इक्वेशन के कौन से अलग अलग फॉर्म्स होते है। हम लोगों ने साथ ही साथ उसका डेरिवेशन भी देखा था कि एक्चुअली अरेनियस इक्वेशन ऑप्टेन कैसे होता है, राइट? अगर आप सबको याद होगा तो चलिए उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग आगे मूव करेंगे। तो लास्ट वाले क्लास में मैंने अरेनियस इक्वेशन जब पूरा कंप्लीट हुआ था, जब उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने कंप्लीट किया था, तो उसके बाद में मैंने डिस्कस किया था एक न्यूमेरिकल को, क्योंकि वो न्यूमेरिकल जो था वो उससे रिलेटेड था, राइट? अगर आपको याद होगा तो मेरी आप सबसे बस इतनी ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है केमिकल काइनेटिक्स का, तो एक बार ज़रूर देखना, उसके बाद ही इस वीडियो को कंटिन्यू करना, क्योंकि उसी वीडियो के कुछ पार्ट के जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं इस लेक्चर में भी लेने वाली हूँ। तो अगर वो देख लेते हैं तो कहीं ना कहीं इट विल बी गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन लोग देखेंगे। सबसे पहले तो इफेक्ट क्या रहेगा टेम्परेचर का ऑन दी मॉलिक्यूल्स, मतलब जो भी आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स रहते हैं उनके ऊपर में टेम्परेचर का इफेक्ट क्या होता है। मतलब ही अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ ना, तो हम लोगों को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने का है कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर में एक्चुअली टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे होता है। तो और ये वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा मस्त पार्ट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, बहुत सारी चीज़ें आपको एक्सप्लेन की गई है इस पार्ट में। अगर मैं बात करूँ इस पार्ट की, तो अगर आप लोग पढ़ने गए ना तो पढ़ तो लोगे पूरा का पूरा, फिर बाद में बोलेंगे क्या पढ़ा, कुछ समझ ही नहीं रहा है, क्योंकि समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट जाता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि मैं आपको इस टॉपिक को इतने बेस्ट तरीके से समझा के देने वाली हूँ विद द हेल्प ऑफ जस्ट वन एग्जाम्पल। वो एग्जाम्पल भी इतना स्पेशल एग्जाम्पल रहेगा जो कि आपका ही रहेगा, आपको ही कंसिडर करके मैंने वो वाला एग्जाम्पल बनाया है। वो एग्जाम्पल अगर सुन लिया ना तो ये वाला क्या, ऐसे कई सारे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस तो हम लोग यू लगा लेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करेंगे अपने पर्टिकुलरली लास्ट वाले पार्ट को, लास्ट वाले चैप्टर के फिजिकल केमिस्ट्री के जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। तो अब हम लोग देखेंगे उसी के कंटिन्यूशन में लास्ट वाले पार्ट के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ द गिवन एनर्जी वर्सेस काइनेटिक एनर्जी मतलब इन शॉर्ट हम लोगों को देख के क्या समझ में आ रहा है। इन शॉर्ट मुझे जो देख के यहाँ पे समझ में आया वो इतना है कि मुझे यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को देखने का है, मतलब ही मुझे यहाँ पे ग्राफ को पढ़ने का है, राइट? सेकेंड थिंग आपको बोली गई है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल विद द गिवन एनर्जी ई, मतलब आपको एक एक्सिस पे लेने का क्या है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द एनर्जी ई, सेकेंड एक्सिस पे आपको लेने का है काइनेटिक एनर्जी। दैट्स सो क्लियर। चलिए अब देखेंगे इस पर्टिकुलर पार्ट को। अभी मैं ग्राफ नहीं ड्रॉ करने वाली क्योंकि मुझे समझाना है, राइट? तो सबसे पहले हम लोग इस एक्सिस पे लेंगे आपके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द गिवन एनर्जी। यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द गिवन एनर्जी, ये है आपका वाई एक्सिस। और सिमिलरली हम लोग एक्स एक्सिस पे जो ले रहे हैं, एक्स एक्सिस पर मैं ले रही हूँ आपकी काइनेटिक एनर्जी, इसको हम लोगों को लेने का है। चलो अपना ये काम तो हो गया, अब अपन को आगे बढ़ने का है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि मुझे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विद द गिवन एनर्जी ई के बारे में एक्सप्लेनेशन देने का है। देखो सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है, देखो ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से, ठीक है?
मतलब ही हम लोग को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो देखना ही है, लेकिन इसी चीज़ का मतलब होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है, ये जो भी कर्व ऑप्टेन होगा यहाँ पर, जो अभी ऑप्टेन नहीं हुआ है, उसका नाम होता है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, ठीक है। मैं आपको एक बता रही हूँ चीज़, वो ये है कि अगर आप लोग ये कर्व को पढ़ लेते हो तो आई एम डैम श्योर कि आपको ये वाला कर्व फिजिक्स में भी हेल्प करेगा, क्योंकि फिजिक्स में भी ये वाला टॉपिक आता है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व, ये वाली चीज़ फिजिक्स में भी आती है, तो वहाँ पर भी आपको ये वाली चीज़ हेल्प करेगा, राइट। चलिए मूव करेंगे सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड पार्ट जो मेरा कहता है वो ये है, एकदम ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। अगर पहले था आपका टेम्परेचर T1, ठीक है, ये क्या है, इसको बोला जाता है टेम्परेचर, टी मतलब होता है टेम्परेचर। फिर था आपका टेम्परेचर T2, हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यहाँ पे ले रहे काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने टेम्परेचर को कंसिडर किया, फिर हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर किया, फिर हम लोगों ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कंसिडर किया। अब एकदम ध्यान से देखना, देखो कैसा है ना, तुम लोग अगर वो पेज को भी पढ़ लेते हो पूरे वाले, वो जो बुक में दे रखा है, तब भी तुम लोग को समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, मैं इतना अश्योरेंस देती हूँ कि तुम लोगों ने अगर मेरे ये छोटे से चार्ट को देख लिया ना, समझ लिया ना, तो पूरी की पूरी हिस्ट्री जो है ना इस स्टैटिस्टिक्स की या इस कर्व की, वो तुम ही लोग लिख दोगे और इतना बेस्ट तरीके से लिखोगे, इसकी गारंटी मैं तुमको देती हूँ। चलिए देखेंगे कि अब हमें को पढ़ने का क्या है। आप लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस चैप्टर है 11th स्टैंडर्ड में वो पढ़ा होगा, अगर नहीं भी पढ़ा है तो कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। अब मैं आप लोगों को एक छोटा सा बेसिक्स बताती हूँ, वो बेसिक हम लोग एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो यहाँ पे है वो ये है कि यहाँ पे अगर आपको पता होना चाहिए बस कि जो भी आपका टेम्परेचर होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी को। जो भी टेम्परेचर होता है वो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूल्स के, ठीक है। मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो जो भी आपकी काइनेटिक एनर्जी है वो भी बढ़ेगी, क्योंकि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द केमिकल, टू द काइनेटिक एनर्जी। अगर टेम्परेचर कम होगा, डिक्रीज होगा, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होगी, डिक्रीज। सेकेंडली बात यह है कि अगर यहाँ पे आपका टेम्परेचर है लो, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है हाई, ठीक है, एकदम ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपका टेम्परेचर है लो, लो मतलब कम, यहाँ पे आपका टेम्परेचर है हाई मतलब ज़्यादा। अब पूछा गया है काइनेटिक एनर्जी जो है मॉलिक्यूल की वो कैसे रहेगी। टेम्परेचर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है केमिकल काइनेटिक एनर्जी को ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर कम है, तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहेगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहेंगी, लो रहेंगी मॉलिक्यूल्स की, समझा या नहीं। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी जो है ना मॉलिक्यूल्स की, वो भी हो जाएंगी हाई, वो भी हो जाएंगी इंक्रीज। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, क्योंकि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अगर ये कम है तो ये भी कम रहेगा, अगर ये ज़्यादा है तो ये भी कैसा रहेगा, ज़्यादा। अब बोला गया है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ग्रेटर देन दी एक्टिवेशन एनर्जी, ग्रेटर देन दी एक्टिवेशन एनर्जी। इसको अपन को समझना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। ये है आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विथ एनर्जी ग्रेटर देन काइनेटिक एनर्जी, इसको अपन लोगों को डिस्कस करना है। इस एग्जाम्पल को समझने से पहले मैं आपको एक बेस्ट तरीका समझाना चाहती हूँ, बस आप लोग अपना जनरल चीज़ ले लो, एकदम जनरल चीज़ समझ लो, ठीक है। सपोज़ मैं अगर JEE के एग्ज़ाम का कट ऑफ की बात करती हूँ, लेट अस से इसका एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फिट करूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था। सपोज़ अगर मैं JEE के एग्ज़ाम की बात करूँ, इस टेम्परेचर के जगह पे आप लोग अपने JEE के एग्ज़ाम के चीज़ कंसिडर करो। सपोज़ अगर मैं ऐसा बोलती हूँ कि यहाँ पे आपके JEE के एग्ज़ाम का जो भी कट ऑफ है ना, वो ज़्यादा है,
जस्ट ये एग्जाम्पल के तौर पे जेई एग्ज़ाम कंसिडर कर रहे हैं, जेई एग्ज़ाम का जो कट ऑफ है यहाँ पे ज़्यादा है और यहाँ पे जो आपका जेई एग्ज़ाम का कट ऑफ है वो कम है। अब मुझे एक जाहिर सी बात बताना, एकदम सीधी सी बात है, अगर कट ऑफ है बहुत ज़्यादा, अगर कट ऑफ है बहुत ज़्यादा, मार्क्स है बहुत ज़्यादा, कट ऑफ है बहुत ज़्यादा, तो आपके जो मॉलिक्यूल्स है वो कैसे रहेंगे? मॉलिक्यूल्स मतलब आप लोग। अगर कट ऑफ बढ़ जाए तो बहुत कम लोग रहेंगे जिनको उतना ज़्यादा मार्क्स रहेंगे, है ना, बहुत कम लोग रहेंगे। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, लोअर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, या तो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। फिर से सुनो, कहना मुझे ये है, मुझे पता है अभी किसी बहुत सारे लोगों की बल्ब नहीं जला है, तो देखो फिर से सुनो, उनका भी बल्ब जला देते हैं। कहना मुझे ये है कि अगर आपके जेई एग्ज़ाम का कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, लेट अस से मैं ऐसा बोल दूँ कि जेई एग्ज़ाम का कट ऑफ जो है अगर वो चले जाए 99%, तो बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे जिनको बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। मतलब कहना मुझे ये है कि अगर कट ऑफ ज़्यादा है, सपोज़ 105 मार्क्स आपका कट ऑफ है, लेट अस से 105 मार्क्स आपका कट ऑफ है, तो आपके जो स्टूडेंट्स रहेंगे जिनको उतने ज़्यादा मार्क्स रहेंगे वो कैसे रहेंगे? कम रहेंगे। ठीक है, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स एक्चुअली क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि अगर कट ऑफ कैसा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब सुनो, अगर कट ऑफ कम हो जाए, अगर आपके एग्ज़ाम का कट ऑफ कम हो जाए, एकदम कम हो जाए, तो क्या होगा? तो बहुत सारे स्टूडेंट्स रहेंगे जो पास होंगे। मतलब ऐसे केस में आपके जो भी नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स वो कैसे रहेंगे? हाई नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स, और मैं ऐसा लिख सकती हूँ ग्रेटर नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो बस अपन को यहाँ पे अपना वाला चीज़ इमेजिन करने का है। इतना दिमाग में फिट कर लो कि अगर एग्ज़ाम का कट ऑफ है बहुत ज़्यादा, तो मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे? कम। पर्सन कैसे रहेंगे? स्टूडेंट भी कितने रहेंगे जो क्वालिफाई करेंगे? वो भी कम रहेंगे। अगर कट ऑफ कम हो जाए, मार्क्स कम हो जाए, कट ऑफ कम हो जाए, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे एग्ज़ाम को, मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो ये तो मुझे एकदम बेस्ट तरीके से समझ गया कि टेम्परेचर जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर टेम्परेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कम होती है, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होती है, बिकॉज टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। फिर मैंने आपको क्या बताया, टेम्परेचर अगर लो है तो बस आप लोग इतना ही समझ लो कि कट ऑफ कैसा है, बहुत ज़्यादा, तो आपके लेस नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसको पास करेंगे। अगर कट ऑफ है बहुत कम, तो बहुत सारे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स उसको पास करेंगे। मॉलिक्यूल्स मतलब ही हम लोग, एक स्टूडेंट्स। चलो ये तो हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि साइंटिफिकली अगर मैं स्टडी करूँ तो कैसे क्या रहेगा? सुनो, देखो क्या है ना, अपन लोग एकदम नॉर्मल तरीके से पढ़ेंगे, एकदम नॉर्मल तरीके से। अगर देखा जाए टेम्परेचर को, ध्यान से देखना, अगर आपका टेम्परेचर लो है, अगर आपका टेम्परेचर लो है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी लो है। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी भी लो है। ठीक है, अब देखना है ध्यान से क्या हुआ, आपके एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू कैसा है? बहुत ज़्यादा हाई है। एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू तो हाई रहेगा, और मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो कैसी है? मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है। ठीक है, मतलब कहना मुझे जो है वो ये है कि अगर टेम्परेचर लो है तो काइनेटिक एनर्जी भी लो रहेगा। समझने में थोड़ा प्रॉब्लम जाएगा, लेकिन समझ जाएगा लास्ट में। एक्टिवेशन एनर्जी तो वैसे भी हाई रहती है, अब मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है वो कम है, है ना। अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कम है, सपोज़ लेट अस से एक्टिवेशन एनर्जी का वैल्यू है 50, और मॉलिक्यूल की एनर्जी, लेट अस से मॉलिक्यूल की एनर्जी है 10, तो क्या वो मॉलिक्यूल कोलाइड करेंगे? नहीं करेंगे, है ना। मतलब यहाँ पे आपके जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर रहेंगे देन द एक्टिवेशन एनर्जी, वो कैसे रहेंगे? वो लेस रहेंगे। तो सिंपल सी बात, अगर टेम्परेचर है कम तो काइनेटिक एनर्जी भी रहेंगी कम। एक्टिवेशन एनर्जी सपोज 50 है तो मॉलिक्यूल की एनर्जी है 10, तो जाहिर सी बात है कट ऑफ है 50, मॉलिक्यूल को 10 ही मार्क्स मिले, तो क्या वो मॉलिक्यूल एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे? नहीं करेंगे। मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे? बहुत कम। आगे बढ़ेंगे, सेकंड केस अगर आ जाए, अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो भी मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी है ना, वो भी क्या हो जाएंगी? वो भी बढ़ जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी। लेट अस से एक्टिवेशन एनर्जी थी 50, अब जो भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है ना,
मॉलिक्यूल्स की एनर्जी वो हो गई 80। क्यों ऐसा हुआ? सुनो, टेम्परेचर बढ़ रहा, एनर्जी बढ़ी। अगर एनर्जी बढ़ती है इसका मतलब मॉलिक्यूल्स की भी एनर्जी क्या होंगी? बढ़ेगी। अगर मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ती है तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा रहेगी। मतलब यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि जो भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे ना, जो भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनकी एनर्जी ग्रेटर रहेंगी देन द काइनेटिक एनर्जी, वो इंक्रीज होंगे, वो बढ़ जाएंगे। ठीक है, नहीं समझेगा अब और ग्राफ से समझेंगे। सुनो, ये था आपका पहला वाला ग्राफ। ये है आपका पहला वाला ग्राफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से ड्रॉ करती हूँ, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है। ये है आपका पहला वाला ग्राफ, ये हो गया फर्स्ट टेम्परेचर, मतलब जब आपका टेम्परेचर कैसा था? लो था। अब सुनना, एकदम ध्यान से सुनना, जब आपका टेम्परेचर था लो, मतलब जब आपका टेम्परेचर था कम, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी थी? कम। अगर काइनेटिक एनर्जी कम तो मॉलिक्यूल की एनर्जी भी कैसी रहेंगी? कम। अगर मॉलिक्यूल की एनर्जी रहेंगी कम तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे? लेस। इसलिए देखो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे है, एकदम लेस है। ध्यान से देखना, ये है आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इस एक्सिस पे मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को प्लॉट किया है, इसलिए वो कैसे कम है। ये है आपके लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब देखो क्या होगा, धीरे धीरे कुछ समय के बाद आपकी जो मॉलिक्यूल की टेम्परेचर है उसको अपन ने कम किया। अगर अपन मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को कम कर देते हैं, अरे यार अगर अपन ने मॉलिक्यूल के टेम्परेचर को कम कर दिया, मतलब यहाँ पे मैंने लिया है T2, ठीक है। और अगर मैं बात करती हूँ T2 की, तो T2 का जो कर्व है वो कुछ इस टाइप से, एक बार ध्यान से देख लेते हैं इस कर्व को, फिर समझ जाते हैं, क्योंकि कंसेप्ट तो हम लोग को वैसे भी समझ गया है, ठीक है। ये है आपके T2 का कर्व। T2 जो टेम्परेचर है वो कैसा है? वो है आपका हाई। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो आपकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाएगी, आपकी मॉलिक्यूल की एनर्जी भी बढ़ जाएंगी। इसका मतलब वो एक्टिवेशन एनर्जी से भी कैसी हो जाएंगी? ज़्यादा हो जाएंगी। मतलब जो भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो और बढ़ जाएंगे। एकदम ध्यान से देखो, जब टेम्परेचर T1 था तो मॉलिक्यूल्स कितने थे? कम थे। ब्लैक वाले कर्व को देखो, मॉलिक्यूल्स कम थे, छोटे से ही, एकदम थोड़े से ही है। जब टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ब्लू वाले कर्व को देखो, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो एरिया है वो भी बढ़ गया। पहले छोटा सा एरिया था, अब इतना बड़ा एरिया है, मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या हो गए? वो इंक्रीज हो गए, ठीक है। अब ये वाली चीज़ तो हमारी हो गई क्लियर, अब मुझे थोड़ा सा आगे देखने का है। आगे की बात ये है, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि जो भी एरिया है, एरिया अंडर कर्व T1 कर्व के अंदर में जो भी एरिया है, क्या वो अलग है या सेम है? तो आपको पता होना चाहिए वो सेम होती है एज दैट ऑफ दी एरिया अंडर दी कर्व T2। मतलब T1 और T2 के अंदर में सेम एरिया है, सिर्फ फर्क कितना है? फर्क बस इतना है कि ये वाला है ऊंचा पहाड़ और ये वाला है ठिंगना पहाड़, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं है। लेकिन पहाड़ का जो एरिया है ना, कर्व का जो एरिया है ना, वो कैसा है? वो बिल्कुल सेम है। इसके अंदर जितना एरिया है वही एरिया इसके अंदर में, सिर्फ फर्क कितना है कि वो किस तरीके से है, इसका हाइट ज़्यादा है, इसका हाइट कम है। इसके लिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम है। जब टेम्परेचर कम हो गया, जब टेम्परेचर मतलब जब टेम्परेचर हाई हो गया, बढ़ गया, काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मॉलिक्यूल की एनर्जी बढ़ गई, एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा हो गई, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से भी है ज़्यादा, इसलिए देखो यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए, ठीक है। लो इसका स्क्रीनशॉट। ये वाला जो कर्व है ना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करवा रही हूँ, बार बार चीज़ें बता रही हूँ, एक बार अपन फटाक से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। अभी तक मैंने क्या जाना? मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर टेम्परेचर हो जाए कम लो, तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहेंगी? लो, क्योंकि वो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी है कम, मॉलिक्यूल की एनर्जी भी कैसी रहेगी? कम।
तो इसी का मतलब आपके मॉलिक्यूल्स भी कितने रहेंगे, कम रहेंगे। सिंपल सी बात थी कि अगर कट ऑफ बढ़ जाए, अगर कट ऑफ ज़्यादा हो जाए तो बहुत कम स्टूडेंट्स एग्जाम में पास होंगे, इसी का मतलब लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेकेंड थिंग, अगर एकदम श्योर एंड सिंपल तरीके में बोला जाए तो क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, अगर टेम्परेचर हाई हो जाए तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी होंगी, हाई। नेक्स्ट थिंग, आपकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो हाई हो गई है, मॉलिक्यूल की एनर्जी भी हाई हो गई है, एक्टिवेशन एनर्जी से भी ज़्यादा हो गई है, तो आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी बढ़ गए जिनकी एनर्जी ज़्यादा है एक्टिवेशन एनर्जी से। सेकेंड थिंग, यहाँ पे आप ऐसे भी याद रख सकते हो, अगर कट ऑफ कम हो जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में पास होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे, इसका मतलब ग्रेटर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसी तरीके से बस उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। कर्व इज़ नॉट अप टू द बुक, तुम लोग बहुत अच्छा ड्राइंग निकाल सकते हो, आई एम नॉट द आर्टिस्ट। तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है न्यूमेरिकल वाला सेक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल की, तो प्रॉब्लम 6.12 को वी हैड ऑलरेडी डिस्कस, हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं राइट, लास्ट वाले क्लास में, तो उसको एक बार देख लेना। अब हम लोग डिस्कस करेंगे पेज नंबर 133 का टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम नंबर 6.13 को। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करेंगे अपने इस प्रॉब्लम को और देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमको बोलता क्या है, देखते चलिए देखेंगे इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कि व्हाट दिस प्रॉब्लम इज सेइंग। हम लोग डिस्कस कर रहे पेज 133 का प्रॉब्लम 6.13, चलिए देखेंगे। ये बोल रहा है अ फर्स्ट ऑर्डर गैशियस फेस रिएक्शन हैज़ द एक्टिवेशन एनर्जी। आप सबको पता है, मैंने लास्ट वाले क्लास में बहुत तगड़े तरीके से बताया था कि एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, ई है ना। आप सबको याद कैसे रखना है, देखो इधर, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, ए मतलब होता है एक्टिवेशन, ई मतलब होता क्या है एनर्जी। आपको इसका वैल्यू दे रखा है 240 किलो जूल्स, ठीक है, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखा है। साथ ही साथ अगर हम लोग मूव करते हैं आगे की तरफ, तो आगे जो आप लोगों ने देखा वो दे रखा है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, यार ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है क्या चीज़, मुझे तो नहीं समझ रहा है। याद करो, कुछ बताया था, इसका नाम ही था प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, मतलब ये किसके पहले आने वाला है, एक्सपोनेंशियल के पहले, इसलिए उसका नाम क्या है, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। याद रखना है, कभी कभी पेपर में फ्रिक्वेंसी फैक्टर भी बोला जाता है। अगर हमें बस एक ही नाम याद है और पेपर में दूसरा नाम आ जाए तो अब क्या करोगे, तब हम लोग फंस जाएंगे। आपको याद रखना है सेकेंड नेम भी उसका, वो है 1.6 × 10³ सेकेंड इनवर्स, ठीक है। आपको बोला गया व्हाट इज़ द रेट कांस्टेंट, आपको फाइंड करना है टू फाइंड रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट का मतलब ही होता है कि, साथ ही साथ आपको यहाँ पे टेम्परेचर भी दे रखा है, और टेम्परेचर का वैल्यू आपको दे रखा है 600 केल्विन। इतनी सारी चीज़ें हमको दे रखी हैं। चलिए अपन लोग मूव करेंगे आगे की तरफ। चलिए देखेंगे, लास्ट वाले क्लास में मैंने आपको दो तीन एक्सप्रेशंस बताए थे। सबसे पहला एक्सप्रेशन जो था वो यहाँ पे ये था, हम लोगों ने एक एक्सप्रेशन देखा था के इक्वल्स टू ए इंटू ई की पावर माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी, ये वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में देखा था, पहला एक्सप्रेशन। सेकेंड एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने देखा था वो ये था, एल एन के इक्वल्स टू एल एन ए माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि ये एक्सप्रेशन आया कहाँ से, तो लास्ट वाले वीडियो में जाके देखो, बहुत मस्त तरीके से मैंने सब स्टेप बाय स्टेप समझा के दिया था। तीसरा इक्वेशन ये होता है कि अगर मुझे लेने का है लॉग की बेस 10 के, ठीक है, इक्वल्स टू लॉग की बेस 10 ए माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 टाइम्स आर टी। फोर्थ एक्सप्रेशन हम लोगों ने जो देखा था वो यहाँ पे ये था, लॉग की बेस 10 के अपॉन ए इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई ए अपॉन 2.303 टाइम्स आर टी। साथ ही साथ फिफ्थ वाला एक्सप्रेशन हम लोगों ने ये देखा था, लॉग ऑफ के टू बाई के वन इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 टाइम्स आर इंटू ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू। ये सारे के सारे एक्सप्रेशन हम लोगों ने देखे थे लास्ट वाले क्लास में। अब सोचने की बात है, कुछ भी नहीं करने का है। अगर मैं इस ए को ऊपर लिख दूँ, इस के को नीचे लग दूँ, मतलब अगर हम लोग रिवर्स कर दे तो माइनस का हो क्या जाता है प्लस,
तो हम लोग इसको कर देंगे रिवर्स, ए को ऊपर डाल देंगे, के को नीचे डाल देंगे, तो माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। चलो ये तो अपना हो गया, आगे मुझे यहाँ पे याद क्या रखना है वो भी मुझे पता होना चाहिए। चलो देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर मैं बात करती हूँ फॉर्मूले की, तो हमें फॉर्मूले को सिलेक्ट करते आना चाहिए। यहाँ पे आपको बोला गया है रेट कांस्टेंट। दिमाग में क्वेश्चन ये आएगा, फर्स्ट फॉर्मूले से भी तो कर सकती हूँ, फिर वो क्यों नहीं। सबसे पहली चीज़ ये, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल आ रहा है। अब अभी हम लोग तो कैलकुलेटर पे कर लेंगे, बट पेपर में तो लॉक टेबल दिया जाता है ना, वहाँ पे थोड़ी कैलकुलेटर यूज़ कर सकते। ट्वेल्थ में ग्रेजुएशन में कर सकते, बट यहाँ पे नहीं कर सकते। तो एक्सपोनेंशियल जो है वो तो मुझसे होने वाला नहीं है, विद द हेल्प ऑफ लॉक टेबल यार, ऑफ कोर्स, मतलब वो टाइम लगेगा उसको करने में। तो हम लोग जाहिर सी बात है फर्स्ट वाले इसको तो नहीं करने वाले यूज़, मूव करेंगे सेकेंड की तरफ। सेकेंड की अगर मैं बात करूँ, तो आपको जो लॉगरिथमिक टेबल दिया जाता है मोस्टली वो लॉक टेबल ही होता है, एलन वाला टेबल नहीं होता है। तो एलन वाले से कैलकुलेशन तो नहीं हो पाएंगे, तो हम लोग ये भी यूज़ नहीं कर सकते। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, थर्ड वाला यूज़ कर सकती हूँ, फोर्थ वाला भी यूज़ कर सकती हूँ। थर्ड वाले का ही तो सिंप्लीफाइड वर्जन है फोर्थ वाला, तो हम लोग फोर्थ वाले को यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़े स्टेप्स कम रहेंगे। दिमाग में क्वेश्चन आता है ये क्यों नहीं, इसमें तो लॉग भी है। लेकिन यहाँ पे याद रखना है, जब भी टेम्परेचर आ जाए दो, लास्ट वाले क्लास में आप सबने मेरे साथ कसम खाई थी कि जब भी टेम्परेचर दो आएंगे, जब भी रेट कांस्टेंट दो आएंगे, तो हमेशा मैं यही वाला फॉर्मूला यूज़ करूँगा या करूँगी। ये आप लोगों ने मेरे साथ सबने लास्ट वाले क्लास में कसम खाई थी, अगर आपको याद होगा तो, कसम फॉर्मूला भी और कसम भी। तो ये वाले फॉर्मूले को हम लोगों को यूज़ करने का है। चलो देखेंगे ये वाले फॉर्मूले को। अगर मैं देखूँ इस फॉर्मूले को, तो लॉग ऑफ ए बाई के इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 टाइम्स आर टी, ये है अपना फॉर्मूला। चलो मूव करेंगे आगे की तरफ। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है, जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स करके आते हैं मिस्टेक, वो आपको याद रखना है कि आर का जो वैल्यू है ना, वो कभी भी पेपर में दिया नहीं जाता है। जिसको ये सब आता है बट आर का वैल्यू नहीं आता, वो न्यूमेरिकल को कर ही नहीं सकता है, जूल अपॉन केल्विन मोल। अब फिर से एक और चीज़ देखो रे, देखो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि यहाँ पे है जूल, यहाँ पे है किलो जूल, ये तो अनफेयर हो गया ना। एक तरफ है जूल, दूसरे तरफ है किलो जूल, ऐसा नहीं चलेगा। ये है जूल में, तो आपको उसको भी कायम करने का है जूल में। तो देखो इधर, ये है किलो जूल, 240 इंटू 10 की पावर प्लस 3 जूल। अब आधे लोग सोचेंगे मुझे कैसे पता कि किलो जूल को जूल में कन्वर्ट करूँगा। याद रखना, घर में सब्जी मार्केट में सभी जाते हैं। 1 kg का मतलब ही क्या होता है, 1000 grams, मतलब ही क्या होता है 10 की पावर प्लस 3 ग्राम, इतना सबको पता है। 1 kg मतलब 1 kilogram, क्योंकि सब्जी खरीदने सब जाते हैं, टमाटर आलू सब ने लाए होंगे, उसी का मतलब होता है 1000 ग्राम, मतलब 10 की पावर प्लस 3 ग्राम्स। सिमिलरली अगर 1 kilojoule आ जाए तो क्या रहेगा, 1000 joule। यहाँ पे भी जे है, इसी का मतलब क्या होगा, 10 की पावर प्लस 3 जे। तो मैंने यहाँ पे 10 की पावर प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, काम ख़त्म। सारी चीज़ें अपने घर गुती है, लेकिन सिर्फ हम लोग उसको ऑब्जर्व नहीं कर पाते। केमिस्ट्री इज़ जस्ट लाइफ, मतलब जो भी हमारे घर की लाइफ होती है वही केमिस्ट्री होती है। चलो सिर्फ देखने का नज़रिया चाहिए। चलो देखेंगे इसके कैलकुलेशंस को। अगर मैं बात करती हूँ लॉग की बेस 10, ए का वैल्यू आपको कितना दे रखा है, ए का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी फैक्टर और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, वो है 1.6 × 10 की पावर प्लस 13 अपॉन में आ जाएंगे के, के का वैल्यू आपको निकालना है, इक्वल्स टू ई ए, ए का मतलब होता है एक्टिवेशन एनर्जी, कितना वैल्यू है 240 × 10 की पावर प्लस 3, ये जूल। याद रखना है, ये यूज़ नहीं कर सकते किलो जूल वाला, क्योंकि आर कायम है जूल में, याद रखना, एग्जामिनर कभी भी वो जूल में नहीं देगा, ठीक है। अपॉन में एज इट इज़ 2.303 × आर का वैल्यू भी एग्जाम में कभी गिवन नहीं होता है, 8.314 × टेम्परेचर का वैल्यू कितना दे रखा है, 600 केल्विन। इसको अपन लोग करेंगे सॉल्व, तो इसका वैल्यू आपका आएगा 20.8 something, या तो इसका वैल्यू 20.89 या तो फिर 9 के आसपास आएगा, ठीक है। ये मैंने भी कैलकुलेट किया है, आप लोग भी ज़रूर कैलकुलेट करो, कमेंट बॉक्स में डालो, ठीक है। इसका वैल्यू आया है लॉग की बेस 10, 1.6 × 10 की पावर प्लस 13 अपॉन के। अब देखो क्या होगा, ध्यान से देखने का, जब लॉग यहाँ से यहाँ जाएगा
तो वो क्या बन जाएगा? लॉग का उल्टा होता क्या है? एंटी लॉग। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? यहाँ पे वो बन जाएगा एंटी लॉग। जब लॉग यहाँ से गया यहाँ, तो वो क्या बन जाएगा? तो वो आपका बन जाएगा एंटी लॉग। तो यहाँ पे क्या बचेगा? 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 13 अपॉन के, यही बचेगा। चलो और आगे सॉल्व करेंगे। अगर मैं बात करती हूँ एंटी लॉग ऑफ 20.9 की, तो ये आप लोग लॉग टेबल की हेल्प से निकाल सकते हो। 7.8 इंटू 10 की पावर 20, ये आपका वैल्यू आता है। ठीक है, इसका वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 13 अपॉन के। अगर मैं इसको आगे सॉल्व करने जाती हूँ, तो आगे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि अगर मुझे के का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 1.6 इंटू 10 की पावर प्लस 13 अपॉन में क्या है? 7.8 इंटू 10 की पावर 20। कुछ भी नहीं करने का है, ये वाले पार्ट को नीचे लेके गए, इस के को ऊपर लेके आए, दैट्स इट। चलो मूव करेंगे आगे की तरफ। अगर मुझे ये वाले कैलकुलेशन करने के हैं, तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, एकदम ध्यान से देखना। मुझे 1.6 का टेबल तो नहीं आता है, मुझे 7.8 का टेबल भी नहीं आता है। हाँ, लेकिन मैं 16 के टेबल से काट पिट कर सकती हूँ, कैंसिलेशन कर सकती हूँ, 78 के भी इससे कर सकती हूँ। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, इस 1.6 को कन्वर्ट कर देंगे 16.0 में। तो इंटू 10 की पावर में कितना आएगा? मैंने एक डिजिट से करवाया है, इसलिए 1 आएगा। कौन से साइड में करवाया है? राइट हैंड साइड में, तो -1 आएगा। समझाया नहीं? ये था प्लस 13 एज इट इज़ अपॉन में। इसको मैं कराना चाहती हूँ 78.0, तो मुझे बोलो, मैंने एक डिजिट से शिफ्ट करवाया, कौन से साइड डायरेक्शन में करवाया? राइट हैंड साइड में करवाया, इसीलिए 10 की पावर में कितना आएगा? -1, और प्लस 20 ऑलरेडी था। ठीक है, 16/78 इंटू 10 की पावर, देखो रे देखो, ध्यान से देखो, 13-1 कितना होता है? 12। ठीक है, ध्यान से देखना, नीचे में क्या है? 10 की पावर -1 प्लस 20 कितना होता है? 19। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे अगर इसको करने जाए 16/78 इंटू 10 की पावर, ऊपर में है 12, जब ये 19 नीचे से जाएगा ऊपर, तो वो प्लस 19 से क्या बन जाएगा? -19। समझाया नहीं? 12-19 कितना होता है? 12-19 आपका होता है -7। ठीक है, आगे इसको अगर सॉल्व करने गए, तो इसका वैल्यू आता है 2.055 इंटू 10 की पावर -8। ये रहेगा आपका फॉर्मूला। ठीक है, आपको बोला गया है रेट कांस्टेंट। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है, चलो मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, मिल गए मुझे पूरे मार्क, मिल गए, लेकिन सीरियसली बता रही हूँ, पूरे मार्क नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग है। क्या मिसिंग है? क्या मिसिंग है? याद रखना है, यूनिट मिसिंग है। अगर ये नहीं लिखा ना, गए काम से, गेले मग। तो अब आपको यहाँ पे के का यूनिट लिखने का है। तो के का यूनिट कैसे लिखेंगे? आप सबको पता है रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, यहाँ पे दे रखा है, और हम लोगों ने एक ट्रिक देखी थी, मोल पर लीटर की पावर 1-n सेकेंड इनवर्स, याद है ना? उस ट्रिक से आंसर आया था सेकेंड इनवर्स। लो, इसका स्क्रीनशॉट लो। चलिए अब हम लोग करेंगे अपने नेक्स्ट वाले न्यूमेरिकल को, जो कि गिवन है पेज नंबर 134 पर, जिसका नाम है प्रॉब्लम 6.14। लेट्स लुक इनटू द प्रॉब्लम 6.14 व्हिच इज गिवन ऑन पेज 134 ऑफ योर नॉर्मल स्टेट बोर्ड 12th स्टैंडर्ड महाराष्ट्र टेक्स्ट बुक। देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। चलिए देखते हैं, हमें क्वेश्चन को करना है प्रॉब्लम 6.14 को। प्रॉब्लम 6.14 में आपको दे रखा है हाफ लाइफ ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज, आपको हाफ लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का दे रखा है, गिवन डेटा। ठीक है, हाफ लाइफ दे रखा है, और आप सबको पता है कि हाफ लाइफ का मतलब ही क्या होता है? टी हाफ होता है, ये हम सबको पता है। चलिए आगे मूव करेंगे। साथ ही साथ आपको रिएक्शन जो बताया गया है वो दे रखा है फर्स्ट ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर आपकी रिएक्शन है, और आपको बोला गया है हाफ लाइफ का जो आपका वैल्यू है, हाफ लाइफ का वैल्यू आपको दे रखा है 900 मिनट। 900 मिनट आपको हाफ लाइफ का वैल्यू दे रखा है। ठीक है, सेकेंडली अगर मैं बात करती हूँ आगे की, तो आगे आप लोगों ने जो यहाँ पे देखा वो ये है कि टेम्परेचर जो है, एक सेकेंड, आपको साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया है कि आपका जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। एक एक सेंटेंस को पढ़ना है, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए, बहुत काम की चीज़ें है। साथ ही साथ आपको दे रखा है एट 820 केल्विन टेम्परेचर, मतलब ये जो आपका टेम्परेचर है ये है 820 केल्विन।
ठीक है, आपको बोला गया है एस्टिमेट द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ आपको एस्टिमेट करने का है, आपको हाफ लाइफ कैलकुलेट करने का है, ठीक है। अगर आपका टेम्परेचर जो है, अगर आपका टेम्परेचर है 720 केल्विन, ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का भी आपको वैल्यू दे रखा है, मतलब ईए का आपको वैल्यू दे रखा है 250 किलो जूल पर मोल। इतना सारी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे दे रखी है, ठीक है। चलो देखेंगे, एकदम ध्यान से देखने का है। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि जब भी आप न्यूमेरिकल को करते हो तो एक बार चेक कर लेना चाहिए कि हम लोगों ने जो भी डेटा लिखा है क्या वो सच में करेक्ट भी है या नहीं है। अगर करेक्ट नहीं है तो भूल जाओ कि अपना आंसर करेक्ट आएगा। देखो एकदम ध्यान से देखने का कहना जो मुझे यहाँ पे है वो ये है, दिमाग में क्वेश्चन ये आता है यार ये हाफ लाइफ बार बार क्या आ रही है, ये टेम्परेचर बार बार क्या आ रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि रिएक्शन में करना क्या है। टेम्परेचर भी दो दो बार दे रखे, हाफ लाइफ भी दो दो बार दे रखे, दिमाग घूम गया मेरा। तो अब आपको देखने का है कि कैसे आपको अपने दिमाग को घूमने से बचाना है। ध्यान से देखना, एकदम ध्यान से। आप सबने लास्ट वाले क्लास में कसम खाई थी, वो कसम ये थी कि जब भी टेम्परेचर दो आ जाए, जब भी दो रेट कांस्टेंट दो आ जाए, एक तो टेम्परेचर दो आ जाए या रेट कांस्टेंट दो आ जाए, तो आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आप सबने कसम खाई थी कि आप लोग हमेशा ये वाला फॉर्मूला कर यूज़ करेंगे, लॉग ऑफ के टू बाई के वन इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर इंटू ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू। आई होप ये सबको याद होगा कि हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में और अभी के क्लास में भी कसम खाई है कि अगर टेम्परेचर दो आ जाए या तो के वन या के टू रेट कॉन्स्टेंट दो आ जाए तो हम लोग हमेशा ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। चलो क्लियर हो गया, बहुत मस्त क्लियर हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो T1 और T2 आया है, मुझे कैसे पता चलेगा कि T1 कौन सा है, मुझे कैसे पता चलेगा कि T2 कौन सा है। याद करो लास्ट वाले क्लास में कूट कूट के एकदम बेस्ट तरीके से पढ़ाया था, वो ये था, आप सबने वो भी कसम खाई थी, वो ये कसम खाई थी कि जो भी टेम्परेचर बढ़ा रहेगा वो टेम्परेचर को आप हमेशा क्या लिखोगे, T2। एग्जामिनर देखो क्या चला के करेगा, वो पता है क्वेश्चन में आपको क्वेश्चन कुछ इस तरीके से लिख के देगा, If temperature is let us say 900 Kelvin, second आपको temperature देगा and other temperature is 700 Kelvin। आधे बच्चे तो वैसे ही पागल हो जाएंगे, वो सोचेंगे कि ये temperature पहले दिया है ना मतलब ये पहला रहेगा, ये temperature बाद में दिया है ना मतलब ये बाद में रहेगा। बट ऐसा नहीं है, examiner ने आपको उल्लू पटाया है, examiner ने आपको जाने दो छोड़ो, मतलब कहना जो मुझे यहाँ पे है वो ये है कि अब तो आप कंफ्यूज हो गए ना, तो आपको बस मेरी कसम याद रखनी है कि जो टेम्परेचर है बड़ा, जो टेम्परेचर का वैल्यू है हाई, आप उसको हमेशा क्या लेते हो, T2 लेते हो। तो बचा हुआ रहने क्या वाला है, दैट इज़ वेरी ऑब्वियस T1। चाहे आपको वो पहले दिया हो चाहे आपको वो बाद में दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एग्जामिनर तो आपके साथ ऐसी चालाकी करने ही वाला है। आपको याद रखने का है कि जो बड़ा रहेगा चाहे वो पहले हो चाहे वो बाद में हो या बीच में हो, वो हमेशा T2 ही रहेगा। चलो अब देखेंगे यहाँ पे, अगर आप बात की जाए यहाँ पे, ये है 820, ये है 720, 820 कैसा है आपका, 820 है बड़ा हाई, इसलिए ये क्या रहेगा, 2। अगर ये है 2 तो इसके सामने आने वाला हाफ लाइफ भी कौन सा रहेगा, 2। यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट से गड़बड़ी होती है, वो ये टी हाफ को टी हाफ 1 मान के चलते हैं, पता नहीं क्यों मान के चलते हैं, भूल जाते हैं ये टेम्परेचर T2 है, भले ये पहले दिया हो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये तो हाई है ना, बड़ा है ना, ये तो T2 रहेगा ना, T2 के सामने आने वाला हाफ लाइफ भी क्या रहेगा, टी हाफ ऑफ 2। अब सोचो अगर ये है T2 तो ये क्या रहेगा, उसका उल्टा T1। अगर ये है टी हाफ ऑफ 2 तो ये क्या रहेगा, टी हाफ ऑफ 1। चलो इतना तो एकदम मस्त तरीके से क्लियर हो गया। अब दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि चलो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अगर टेम्परेचर 2 आ जाए या रेट कांस्टेंट 2 आ जाए तो मैं ये फॉर्मूला यूज़ करूँगा। मूविंग टू द सेकेंड पॉइंट, आपको ये भी पता चल गया कि जो भी टेम्परेचर बड़ा रहेगा वो 2 रहेगा, उसके सामने आने वाले टी हाफ हो या रेट कांस्टेंट हो वो भी 2 ही रहेंगे, ये भी क्लियर हो गया।
अब क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे तो टी हाफ दे रखा है और मेरे एक्सप्रेशन में तो के दे रखा है, तो अब मैं क्या करूँ? तो याद रखना है, आप सब ये भी पढ़ चुके हो, फर्स्ट ऑर्डर के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए के का वैल्यू होता है 0.693 अपॉन टी। याद है या नहीं है? अपॉन टी हाफ, ये एक्सप्रेशन सबको याद है, एकदम बेस्ट तरीके से याद है ना। चलो अपन इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करने जाती हूँ तो आप लोगों ने देखो यहाँ पे क्या देखा, एकदम ध्यान से देखना। अगर मुझे K2 और K1 का रेशो लेने का है, सबसे पहले मैं K1 का वैल्यू लिखूँगी। K1 का वैल्यू क्या रहेगा? 0.693 अपॉन टी हाफ ऑफ 1। K1 के लिए टी हाफ 1 रहेगा, अगर ये 1 तो ये भी 1। सेकेंड लेंगे K2, K2 के लिए वैल्यू क्या रहता है? 0.693 अपॉन टी हाफ, अगर ये है 2 तो ये भी क्या रहेगा? 2। अब अपन को K2 अपॉन K1 का रेशो चाहिए, तो अपन K2 अपॉन K1 का रेशो लेंगे। ये है 2, ये है 1, डिवाइड करेंगे 2 बाय 1। अगर मैं 2 को 1 से डिवाइड कर दूँ तो देखो क्या होगा, K2 का वैल्यू कितना है? आपके K2 का वैल्यू है 0.693 अपॉन टी हाफ ऑफ 2। K1 का वैल्यू कितना है? K1 का वैल्यू है 0.693 अपॉन टी हाफ ऑफ 1। दिमाग में क्वेश्चन ये आता है इसको नीचे क्यों लिखा, याद रखना है ये K1 नीचे है, इसका वैल्यू क्या है? 0.693 अपॉन टी हाफ ऑफ 1। 0.693 तो नीचे ही आएगा ना, ये नीचे है तो ये ऊपर जाएगा। अब बढ़ेंगे आगे, देखो कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो, ऑब्जर्व ये किया कि ये तो कैंसिल हो गया, बचा क्या? बचा ये K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू टी हाफ अपॉन टी हाफ, यहाँ पे है आपका 1, यहाँ पे है आपका 2। तो पेपर में इतनी मगजमारी करने की ज़रूरत नहीं है, इतना सारा ये सब काम करने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखो कि K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। सारे के सारे मेरे साथ नारा लगाओ, K इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। इसका मतलब अगर ऊपर में है K2, नीचे में है K1, तो यहाँ पे ऊपर में कौन आएगा? यहाँ पे ऊपर में आएगा टी हाफ ऑफ 1, क्योंकि K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। अगर यहाँ है 2 तो यहाँ पे क्या आएगा? 1। अगर यहाँ पे है 1 तो यहाँ पे क्या आएगा? 2। समझा या नहीं? लो इसका स्क्रीनशॉट लो फटाक से। चलो करेंगे अपन लोग आगे का पार्ट। अगर आगे का पार्ट करने गए तो दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे आपकी एक्टिवेशन एनर्जी किलो जूल में दे रखी है। आप सबको मैंने अभी बताया था कि आर का वैल्यू कभी भी क्वेश्चन में दिया नहीं जाता है, वो रेट कांस्टेंट, वो गैस कांस्टेंट होता है, उसका वैल्यू होता है 8.314 जूल अपॉन केल्विन मोल। अब इसका वैल्यू है जूल में, इसका वैल्यू है किलो जूल में, ये तो अनफेयर हो गया ना। तो अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप लोग सब्जी मंडी में गए तो इसी का सब्जी मार्केट में गए तो आप लोगों ने वहाँ पे ये देखा था कि 1 kg का मतलब 10^+3 grams होता है, मतलब भी 1000 grams होता है। इन द सेम फैशन 1 kilojoule का मतलब कितना होगा? 10^+3 kilojoule जूल्स। इसीलिए मैंने 250 kilojoule को क्या लिखा है? 250 × 10^+3 joule अपॉन मोल। ठीक है, चलो ये भी हो गया। अब बढ़ने का है आगे, दिमाग में क्वेश्चन ही आता है यहाँ पे मिनट है, और लास्ट वाले क्लास में तो मैंने बोला था सेकंड में कन्वर्ट करो। तो देखो आपकी इच्छा यार, आपको अगर इसको मिनट लेके चलना है तो आप लोग मिनट लेके भी चल सकते हो, बट लास्ट में यूनिट आपको ध्यान में रखना है। मतलब कहना मुझे ये है, देखो ध्यान से, अगर आपने टाइम सेकेंड में लिया है तो आपके रेट कॉन्स्टेंट का यूनिट क्या आएगा वो मुझे जानना है। तो बस इतना याद रखो कि के जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टी को, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ। के इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टी हाफ, ये अभी हम लोगों ने देखा। तो अगर टी हाफ का यूनिट या तो टी का यूनिट सेकेंड में आ जाए तो के का यूनिट क्या रहेगा? उसका इन्वर्स है सेकेंड इन्वर्स। अगर आपने टी हाफ को मिनट में लिया है तो आपका के का यूनिट क्या रहेगा? मिनट इन्वर्स। याद क्या रखना है, देखो इसको सेकेंड में अगर कन्वर्ट करते हो तो लास्ट में यहाँ पे सेकेंड इन्वर्स ही लिखने का। अगर इसको मिनट में लेके चला है, आधे बच्चे इसको मिनट में लेके करते हैं बट लास्ट में यूनिट सेकंड इन्वर्स लिख के आते हैं। बट याद रखना है, अगर टाइम का यूनिट मिनट लिया तो रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या निकलेगा? मिनट इन्वर्स। अगर ये सेकंड लिया तो ये क्या बनेगा? सेकंड इन्वर्स। समझा या नहीं? चलो अब अपन हो गए सारे के सारे प्रिपेयर इस न्यूमेरिकल के लिए, देखेंगे इस पर्टिकुलर थिंग को। तो आपका यहाँ पे फॉर्मूला रहेगा लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ 1
अपॉन टी हाफ ऑफ टू इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 टाइम्स आर इंटू ब्रैकेट टी टू माइनस टी वन अपॉन टी वन इंटू टी टू। चलो बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगर बढ़ा जाए आगे की तरफ तो लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ टू का वैल्यू आपको दे रखा है 900। याद रखना मैंने इसको मिनट में ही लिया है, तो आप लास्ट में उसका यूनिट क्या लिखोगे, मिनट इनवर्स, ठीक है, याद रखना है। अब टी हाफ ऑफ टू का जो वैल्यू है, अच्छा सॉरी, टी हाफ ऑफ वन का वैल्यू आपको निकालना है और टी हाफ ऑफ टू का वैल्यू आपको दे रखा है, कितना वैल्यू दे रखा है 900। उसको बराबर सिस्टमेटिकली लिखना। मैंने जो ये वाली गलती थी ये एक्चुअली जानबूझ के की थी ताकि आप लोग ये गलती पेपर में ना करो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे रहेगा ई ए, ई ए का वैल्यू आपको दे रखा है 250 × 10³। याद रखना किलो जूल में मत लेना, पेपर में गड़बड़ी हो जाएंगी, जूल में ही लेने का। अपॉन में आएगा 2.303 इंटू आर का वैल्यू क्या होता है 8.314 इंटू ब्रैकेट टी टू, टी टू का वैल्यू कितना है 820 माइनस टी वन 720। हो सकता है कि टी टू किसी का नाम भी होगा और अपॉन में रहेंगे 820 × 720। चलो और करेंगे इसको आगे का पार्ट। अगर आगे किया जाए इसको तो आप इसको और बेस्ट तरीके से सॉल्व कर सकते हो। इसको हम लोग लेंगे 250 × 10³ अपॉन में आएगा 2.303 × 8.314। यहाँ पे 820 − 720 कितना होता है 100 अपॉन में आएगा 820 × 720, ठीक है। ये कैलकुलेशन तो आपको ही करना पड़ेगा। हाँ हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि ये ज़ीरो से ये ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो से ये ज़ीरो भी कैंसिल, ठीक है, और ऐसे आप लोग कर सकते हो। चलो यहाँ पे हम लोग लेंगे लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ वन अपॉन 900 और इसको सॉल्व करेंगे। मैंने इसको कहीं पे सॉल्व करके रखा है, आप लोग भी इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करेंगे। इसका वैल्यू आपका आता है 2.212, ठीक है। यहाँ पे रहेगा आपका लॉग ऑफ टी हाफ ऑफ वन अपॉन 900। अब आप लोग खुद ही बताओ, मैंने अभी बताया था कि जब भी लॉग जाएगा यहाँ से वहाँ तो लॉग का क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। लॉग का उल्टा होता क्या है, एंटी लॉग। तो जब लॉग जाएगा यहाँ से यहाँ पे वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एंटी लॉग। समझा या नहीं? अब अपन लोग निकालेंगे इसका एंटी लॉग। इसके एंटी लॉग का वैल्यू आता है 162.7। इतना दिमाग में याद रखने का है कि अगर आप इसका एंटी लॉग नहीं निकाल सकते तो आपसे केमिकल काइनेटिक्स का एक भी न्यूमेरिकल नहीं होगा। एंटी लॉग के बिना या लॉग के बिना आप लोग केमिकल काइनेटिक्स को तो सॉल्व ही नहीं कर सकते, याद रखना है। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के भी कुछ न्यूमेरिकल्स में वो आता है, आयोनिक इक्विलिब्रिया के कुछ न्यूमेरिकल्स में वो आता है, इसलिए लॉग सीख लो तो बड़ा पछता होंगे। चलो आगे बढ़ेंगे अपन लोग। अगर आगे बढ़ा जाए यहाँ पे तो आगे आप लोगों ने यहाँ पे जो देखा वो ये है टी हाफ ऑफ वन अपॉन 900 इक्वल्स टू 162.7। अगर देखा जाए आगे का पार्ट तो जाहिर सी बात है आपको टी हाफ ऑफ वन निकालने का है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा 162.7, ये 900 ऊपर चले जाएगा, ये 900 ऊपर चले जाएगा, चले गया ये 900 ऊपर। अब आपको निकालने का है इसका वैल्यू। इसका वैल्यू आता है 1.464 × 10³। अब ध्यान से सुनना है, ये है आपके टी हाफ वन का वैल्यू। सोचने की बात जो है वो ये है, ये टाइम है, आधे बच्चे यहाँ पे 101% सेकेंड लिख के आएंगे, आधे बच्चे यहाँ पे कुछ भी लिख के नहीं आएंगे, और आधे बच्चे दिमाग लगाएंगे जिन्होंने मेरा क्लास किया है वो सोचेंगे कि यहाँ पे टाइम मिनट में था। मैंने पूरे कैलकुलेशंस में टाइम मिनट को लिया है। अगर ये है मिनट में, ये भी है टाइम जो मैंने कैलकुलेट किया, वो भी तो टाइम ही है ना, भली हाफ लाइफ हो तो उसका यूनिट भी क्या रहेगा, उसका यूनिट भी मिनट ही रहेगा। समझा या नहीं? तो यहाँ पे अपना होता है न्यूमेरिकल्स ये वाले चैप्टर के ख़त्म। उसके बाद अपन देखेंगे अपने लास्ट वाले पार्ट को जो कि रहेगा, देखेंगे। लेकिन उससे पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। लेकिन उससे पहले आपको याद क्या क्या रखना है, जो भी टेम्परेचर बड़ा रहेगा कसम खाओ सारे के सारे उसको हम लोग टी टू ही मान के चलेंगे, चाहे टी टू किसी का नाम भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। टी टू के सामने आने वाला रेट कांस्टेंट भी क्या रहेगा, के टू। टी टू के सामने आने वाला हाफ लाइफ भी क्या रहेगा, टी हाफ ऑफ टू। समझा या नहीं? जो बच गया वो क्या रहेगा, टी वन।
T1 के सामने आने वाला रेट कांस्टेंट भी क्या रहेगा, K1। T1 के सामने आने वाला T हाफ भी क्या रहेगा, T1। समझा या नहीं? उसके बाद में मैंने क्या बताया, उसके बाद में मैंने ये बताया, कहीं पे भी अगर किलो जूल दिख जाए, सबसे पहले आप उसको जूल में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि R का वैल्यू जूल में होता है। R का वैल्यू कभी भी दिया नहीं जाता है, वो आपको आना चाहिए। बस इतना चीज़ अगर आपको आ जाए ना, सब आ जाएगा। जब लॉग यहाँ से यहाँ जाएगा वो क्या बन जाएगा, एंटी लॉग। लो स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, जो कि है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। यस गाइस, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ योर लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, जिसका है लास्ट वाला पार्ट। चलिए देखेंगे इस पार्ट को कि ये पार्ट एक्चुअली हमसे क्या कहना चाहता है। इस पार्ट का हेडिंग ये है, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, कि कैटलिस्ट का इफेक्ट होता क्या है रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर में। चलिए देखेंगे इस थिंग को। नेक्स्ट पार्ट है आपका इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब हम सबको यह पता है, कैटलिस्ट तो यार बचपन से पढ़ते आए हैं। आई थिंक 5th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कैटलिस्ट क्या होता है, 6th में भी पढ़ा था, 7th में भी पढ़ा था। बट हाँ, रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर क्या इफेक्ट करता है वो हम लोगों ने सिर्फ डेफिनेशन में रट्टा मारते हुए पढ़ा था, बट एक्चुअली हम लोगों ने उसको ग्राफिकली डिस्कस नहीं किया था, एक कर्व की हेल्प से डिस्कस नहीं किया था, रिएक्शन के फॉर्म में कर्व को डिस्कस नहीं किया था। हाँ, हम लोगों ने डेफिनेशन में पढ़ा था कि वो एक ऐसा चीज़ होता है, सबको पता है। तो चलिए एक बार उसी के थ्रू उसको रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग का रिविजन हो जाएगा। स्कूल में तो बहुत बार पढ़ चुकी हूँ, आई नो यू आर ऑल जीनियस, आप सारे के सारे बहुत ज़्यादा जीनियस हो, तो बस उसको थोड़ा सा ये कर देख लेंगे। तो नेक्स्ट है आपका कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट कहता क्या है, ध्यान से देखने का है, कैटलिस्ट मुझे क्या कहता है। एक बार फॉर्मेलिटी के लिए इसकी भी डेफिनेशन को लिख देते, मुझे सब पता है कि जीनियस लोगों को सबको पता है कैटलिस्ट होता क्या है। तो कैटलिस्ट होता है अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन, अ सब्सटेंस विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन without itself being consumed in the reaction. is called as catalyst. मतलब कहना जो मुझे यहाँ पे है वो ये है कि एक ऐसा सब्सटेंस जो रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर देता है लेकिन खुद कंज्यूम नहीं होता है, उसका नाम क्या होता है, कैटलिस्ट। ये आप सबको अच्छे से पता है। एक कहानी सुन लेते इसी के रिगार्डिंग। कहना मुझे ये है कि सपोज कोई इंसान होता है, लेट अस से कोई इंसान है, ठीक है, उस इंसान ने आपको बोला कि मैं तेरी हेल्प तो कर दूंगा, मैं तेरे रेट ऑफ रिएक्शन के तो बढ़ा दूंगा, मैं रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दूंगा, रेट को बढ़ा दूंगा, आपकी हेल्प कर दूंगा। मतलब सपोज ये है ए, ये है बी, ये जो बी है ना, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट ने इसको बोला, और यहाँ पे जो ये ए है ये रिएक्टेंट है। अपने लैंग्वेज में पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कैटलिस्ट तो आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा होगा जिसको मैं आपको बता रही हूँ। ये है आपका कैटलिस्ट, इस कैटलिस्ट ने इसको बोला भाई मैं तेरी मदद कर दूंगा, इस रिएक्टेंट को बोला मैं तेरी हेल्प कर दूंगा, मैं तेरे रेट ऑफ रिएक्शन को भी बढ़ा दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मतलब मैं इसकी हेल्प करूंगा, मैं इस रिएक्टेंट के रेट को भी बढ़ा दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए। हम लोग किसी को बोलते हैं ना, देखो बताता हूँ ऐसी ऐसी बात है, वैसी वैसी बात है, लेकिन मेरा नाम मत बोलना। इन द सेम फैशन कैटलिस्ट रिएक्टेंट को बोलता है मैं आपकी हेल्प भी करूँगा, मैं आपके रिएक्शन के रेट को भी इंक्रीज कर दूंगा, बढ़ा दूंगा, लेकिन मेरा नाम आना नहीं चाहिए। मतलब मैं रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होऊंगा, जैसा मैं हूँ मैं वैसा ही रहूँगा, रिएक्शन में कंज्यूम नहीं होऊंगा, लेकिन हेल्प ज़रूर करूँगा, रिएक्शन के रेट को इंक्रीज कर दूंगा। तो इसने इसकी हेल्प की, इसने इसके रेट को बढ़ा दिया, लेकिन खुद कंज्यूम नहीं हुआ, उसका नाम नहीं आएगा। समझा या नहीं? चलो देखेंगे, अब मुझे देखने का है यहाँ पे। तो आपके सबसे पहला एग्जांपल हम लोग जो लेंगे वो आपका है ये वाला एग्जांपल, वो है ऑक्सीडेशन।
ऑक्सीडेशन ऑफ KClO3 का हम लोग एग्जाम्पल देख रहे हैं। तो KClO3 का अगर मैं एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन का डिस्कस करती हूँ तो KClO3 आपको देता है KCl+O2। ठीक है, सेकेंडली हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल को। सेकेंड एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे डीकम्पोजिशन को डिस्कस करेंगे, डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। एकदम ध्यान से सुनना, एकदम ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखना क्योंकि मैं चैप्टर को ख़त्म करने वाली हूँ। ध्यान से देखो, आपका यहाँ पे ये है H2O2 गिव्स H2O+O2। सुनो एकदम ध्यान से सुनो, मुझे पता है तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन ये आ रहा है कि यहाँ तो मैम ने कैटलिस्ट लिखा ही नहीं, अब होंगी कैटलिस्ट की एंट्री। सुनो, सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ पे क्या देखी कि यहाँ पे मैंने जो ऑब्जर्व किया वो यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि मैंने इस KClO3 का ऑक्सीडेशन करवाया है। ठीक है, इस KClO3 का मैंने ऑक्सीडेशन करवाया है, इसी का मतलब मैंने इसके अंदर में ऑक्सीजन को ऐड किया है। इसी का मतलब ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन ऑफ KClO3। या तो ये ऑक्सीडेशन नहीं भी होगा, या तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऐसा भी लिख सकते हो, रिएक्शन ऑफ KClO3 विथ ऑक्सीजन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्सीडेशन अगर करेक्ट नहीं लगता है तो इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सब काम का नहीं है, काम का कुछ और है, ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है। मैंने रिएक्शन को बैलेंसिंग करना एक्चुअली बताया है 11th स्टैंडर्ड के वीडियोस में, रेडॉक्स रिएक्शन के लास्ट वाले पार्ट में या नेक्स्ट लास्ट सेकेंड वाले पार्ट में, वहाँ से देखो और सीखो। ठीक है, ये तो आपको बैलेंस करना है, ये भी रिएक्शन आप बैलेंस करोगे, बैलेंसिंग मैटर करता ही नहीं पेपर में, अगर नहीं भी किया तो भी मार्क्स उतने नहीं कटते हैं। लेकिन काम की चीज़ जो है वहाँ पे ये है, यस गाइस कैटलिस्ट लिखने का बाकी है। तो अब मुझे याद रखना है कि यहाँ पे आपका कैटलिस्ट होता है MnO2, कैटलिस्ट की पोजीशन हमेशा यही रहेगी, यहाँ पे आपका कैटलिस्ट रहता है I-। जब ये रिएक्शन है मैंने MnO2 नहीं डाला था, तो सपोज़ ये रिएक्शन को होने के लिए लेटेस्ट से मैं बोल रही हूँ 10 घंटे लग रहे थे, बट जब मैंने इसके अंदर में कैटलिस्ट को डाला, जब इसके अंदर में हो गई कैटलिस्ट की एंट्री, तो यही रिएक्शन जो 10 घंटे में हो रही थी वो 10 सेकेंड्स में हो गई। समझा है, ये तो अप्रोक्सीमेशन ले रहे, तो जो रिएक्शन में कैटलिस्ट नहीं डाला था तो उसको 10 घंटे 20 घंटे लग रहे थे, कैटलिस्ट डालने से वो 10 सेकेंड में हो गई। समझो या नहीं, इसी का मतलब कैटलिस्ट ने रिएक्शन के रेट को बहुत इंक्रीज कर दिया, लेकिन खुद जो था ना वो कंज्यूम नहीं हुआ, उसने बोला मेरा नाम नहीं आना चाहिए। समझाया नहीं, तो ये हुआ आपका कैटलिस्ट। तो कहना मुझे ये है कि अगर मुझे बोलने का है तो मैंने यहाँ पे जो जाना वो ये है कि जो भी आपका कैटलिस्ट होता है वो रिएक्शन के रेट को क्या कर देता है, वो इंक्रीज कर देता है आपके रेट ऑफ रिएक्शन को। समझाया नहीं, चलो अब हम लोग देखेंगे ग्राफिकली। पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब हम लोग देखेंगे कैटलिस्ट के कंटिन्यूशन में कि ग्राफिकली हम लोग इसको कैसे देखेंगे। चलिए देखेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ कि ग्राफिकली एक्चुअली ये क्या होता है। ये ग्राफ पेपर में आते हैं, इम्पॉर्टेंट है, इसको लीव मत करना, अच्छे से पढ़ के जाना। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट जो है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है, आप लोगों के लिए जो इम्पॉर्टेंट नोट है, सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो आपको याद रखनी है वो ये है कि आप लोग एक्टिवेशन एनर्जी को कट ऑफ मार्क समझ लो। ठीक है, एक्चुअली आप सबको पता है कि ये आपकी एक्टिवेशन एनर्जी है, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से समझना है, अगर ग्राफ को रट्टा नहीं मानना है, कंसेप्ट को समझना है, पेपर में सब कुछ लिखते आएगा, तो कहना मुझे ये है कि एक्टिवेशन एनर्जी को सारे के सारे कट ऑफ मार्क्स समझ लो फॉर जे और योर रिस्पेक्टिव नीट एग्जाम फॉर विच यू आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, चलो सेकेंड थिंग मुझे मूव करने का आगे की तरफ, कट ऑफ मार्क्स तो हो गया, मैंने डिस्कस कर लिया कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ही कट ऑफ मार्क्स होता है। चलो आगे जो आप लोगों ने यहाँ पे देखा वो ये है कि ये था आपका एक्टिवेशन एनर्जी जिसका वैल्यू था बहुत ज़्यादा हाई, मतलब आपका जो कट ऑफ था अपने लैंग्वेज में वो कैसा है, बहुत ज़्यादा हाई। मैंने आपको याद रखने के लिए कहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी मतलब ही कट ऑफ होता है, बाकी किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी है ज़्यादा, अगर एक्टिवेशन एनर्जी है हाई, तो कट ऑफ भी कैसा रहेगा, हाई। आपके कैटलिस्ट ने किया क्या, उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कर दिया लो, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, इसी का मतलब अपने लैंग्वेज में उसने किया क्या, उसने कट ऑफ को भी कम कर दिया, अपने लैंग्वेज में उसने कर दिया कट ऑफ को भी लो। ये अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए है, पहले एक्टिवेशन एनर्जी थी ज़्यादा, पहले कट ऑफ भी था ज़्यादा,
फिर डाला उसके अंदर में कैटलिस्ट, फिर हुई कैटलिस्ट की एंट्री। तो कैटलिस्ट ने किया क्या, उसने एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर दिया, मतलब ही उसने कट ऑफ को भी क्या कर दिया, कम कर दिया। तो कट ऑफ को करने का है ज़्यादा से कम अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, तो क्या डालेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे। एक्टिवेशन एनर्जी को करने का है ज़्यादा से कम हाई से लो, क्या डालेंगे, कैटलिस्ट डालेंगे। समझा या नहीं? चलो ये तो हो गया, अब थोड़ा सा मूव करने का है आगे की तरफ। अगर कट ऑफ बढ़ जाए, अगर कट ऑफ इंक्रीज हो जाए तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कैसे रहेंगे, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी कैसे रहेंगे, कम रहेंगे। इसी का मतलब नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कैसे रहेंगे, लेस रहेंगे। समझा या नहीं? अगर कट ऑफ कम हो जाए तो बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे। अगर एग्ज़ाम का कट ऑफ लो हो जाए, कम हो जाए, तो आपके जो भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है ना, इसी के मतलब जो भी आपके नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स है ना, वो भी कैसे हो जाएंगे हाई। ठीक है, तो एक और लैंग्वेज में समझो। अगर एक्टिवेशन एनर्जी है कम, अगर एक्टिवेशन एनर्जी है ज़्यादा मतलब हाई, एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कट ऑफ, कट ऑफ भी कैसा है, ज़्यादा। अगर कट ऑफ है ज़्यादा तो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, कम। अगर मैंने डाल दिया कैटलिस्ट को, कैटलिस्ट की हो गई एंट्री, मतलब आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। इसी का मतलब आपका कट ऑफ क्या हो गया, कम हो गया। अगर कट ऑफ कम हो जाए तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम को पास करेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो इंक्रीज। नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कैसे हो जाएंगे, हाई या तो इंक्रीज। समझा या नहीं? इस लेस का जगह पे मैं डिक्रीजेस भी लिख सकती हूँ, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। इस हाई के जगह पे मैं इंक्रीजेस भी लिख सकती हूँ। चलो अब हम लोग को दो ग्राफ को देखने का है। ये है मेरा पहला वाला ग्राफ, ये है मेरा दूसरा वाला ग्राफ, सेकेंड वाला ग्राफ। पहले ग्राफ में मैं जो है वो डिस्कस करने वाली हूँ पोटेंशियल एनर्जी को। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ही अपने लैंग्वेज में आपको याद रखना है, उसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी भी बोलते हैं, इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी भी कहते हैं। ये है आपकी वाई एक्सिस। ऑब्वियसली बात है, अगर एक है वाई, दूसरी कौन सी रहेगी, एक्स। यहाँ पर रहता है आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब रिएक्शन के कोऑर्डिनेट्स कैसे क्या उसको मेंटेन होगा। यहाँ पे लेंगे हम लोग x मतलब y, और यहाँ पे रहेगा x। यहाँ पे रहते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहाँ पे आपके रहते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलिए देखेंगे इस थिंग को। अगर मैं बात करती हूँ काइनेटिक एनर्जी बोलो या कोई भी एनर्जी बोलो, चलो देखेंगे। सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पे ऑब्जर्व की, वो यहाँ पे ये ऑब्जर्व की कि अगर मैं पहला ग्राफ ले लूँ ये वाला, ठीक है, तो आपका जो सेकंड ग्राफ रहेगा ना, सेकंड ग्राफ कुछ इस तरीके से रहेगा, वो रहेगा ये वाला। तो आप लोगों ने यहाँ पे कुछ ना कुछ ऑब्जर्व किया है। यहाँ पे आप लोगों ने जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि पहले आपकी एक्टिवेशन एनर्जी थी ज़्यादा। देखो पहले एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज़्यादा थी, ये है आपकी ई ए वन, एक्टिवेशन एनर्जी वन। जब मैंने बात की सेकंड वाले कर्व की, तो सेकंड वाले कर्व में आपकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है ना ई ए टू, वो कम हो गई। समझा या नहीं? देखो ध्यान से देखो, कहना मुझे जो है वो ये है कि जब मैंने कैटलिस्ट नहीं डाला था, ये है अनकैटलिस्ट, विदाउट कैटलिस्ट, ये है आपका विदाउट कैटलिस्ट, और ये है आपका इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। क्योंकि देखो कैसा है ना, अगर मैं वहाँ पे कैटलाइज्ड और अनकैटलाइज्ड रिएक्शन लिखूंगी, आधे बच्चों के तो वैसे दिमाग घूम जाएंगे, कैटलिस्ट क्या है और ये अनकैटलाइज्ड क्या है, मुझे तो समझ ही नहीं रहा है। याद रखना है, अगर कैटलिस्ट नहीं डाला, कैटलिस्ट नहीं डाला, तो आपकी जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा कैसी है, हाई है। इसलिए एक्टिवेशन एनर्जी कैसी है, हाई है। अपने लैंग्वेज में कट ऑफ कैसा है, ज़्यादा है। आगे आपने क्या देखा, जब आपने डाला कैटलिस्ट को, जब हुई कैटलिस्ट की एंट्री, तो आपका जो भी एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम हो गया, कट ऑफ के मार्क्स क्या हो गए, कम हो गए। चलो अब मूव करेंगे आगे की तरफ। आगे मैंने यहाँ पे जो जानना वो ये है कि अगर मैं बात करती हूँ इस थिंग की, तो आप लोगों ने यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया है ना,
वो आप लोगों ने यहाँ पे ये ऑब्जर्व किया कि जब मैंने कैटलिस्ट को नहीं डाला था तो मेरे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स लेस थे, पर जब मैंने कैटलिस्ट को डाल दिया तो मेरे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज़ हो गए। देखो यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लिया है, इसलिए ये वाली जो चीज़ है वो मॉलिक्यूल्स को बताने वाली है। यह है आपका विदाउट कैटलिस्ट, जब कैटलिस्ट को नहीं डाला था, जब कैटलिस्ट को नहीं डाला था। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स दिए गए, आधे स्टूडेंट तो वैसे ही कन्फ्यूज हो जाएंगे, ये कम ज़्यादा क्या है, ये एनर्जी है, ये मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे रहेंगे, लेस। यहाँ पे आपने ये ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपने कैटलिस्ट को डाला है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, यहाँ पे आपने कैटलिस्ट को डाला है, इसका मतलब यहाँ पे जो भी आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं ना वो है ज़्यादा। मुझे कैसे पता चलेगा, तो देखो रे देखो, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स की मुझे बात करनी है। जब कैटलिस्ट को नहीं डाला था तो एक्टिवेशन एनर्जी कैसी थी, बहुत ज़्यादा। कट ऑफ कैसा था, बहुत ज़्यादा, बहुत कम स्टूडेंट ने एग्ज़ाम को पास किया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे थे, कम, इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कैसे है, कम। जब आपने डाला कैटलिस्ट को तो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी हो गई कम, याद रखना कट ऑफ कैसा हो गया, कम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या हो गए, बढ़ गए, बहुत सारे स्टूडेंट ने एग्जाम को पास किया, मतलब यहाँ पे आपके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो गए ज़्यादा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। देखो यार, इतने अच्छे वीडियो के लिए लाइक शेयर और कमेंट तो बनता ही है, सो प्लीज़ डू लाइक एंड कमेंट टू दिस वीडियो, योर कमेंट्स वेरी मच मोटिवेट्स मी। थैंक यू वेरी मच, टिल देन बाय।